match. In this sentence, part number 3 is wrong. Mr. Khurana being awarded is wrong. Mr. Khurana is being awarded. Apostrophe S will be used here. Then the sentence will be correct. Mr. Khurana ke Nobel Prize diye jane par hum khush the. तो मिस्टर खुराना के साथ हमें एपोस्ट्रोफी का एस लगाना पड़ेगा यहाँ, तब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट होगा और ये पार्ट नंबर 3 इसलिए गलत है। तो हमारा आंसर आएगा नंबर 3। द सेकंड सेंटेंस, द विटामिन पिल्स आर ऑलवेज अवेलेबल एट द केमिस्ट At the chemist, this part is wrong. It should be at the chemist's. यहाँ apostrophe का s लगना चाहिए, तब जाकर तब इसका meaning होगा। Vitamin की गोलियाँ हमेशा chemist की दुकान पर उपलब्ध होती हैं। Chemist's, chemist की दुकान पर, जब apostrophe का s लग जाएगा तो दुकान का सेंस दे देता है। इसी तरह से अगर ये एपोस्ट्रोफी का एस लग जाए तो स्कूल का सेंस दे देता है। द टूर्नामेंट वाज हेल्ड एट द एडमंड्स, एट द एडमंड्स का मतलब हो जाएगा एडमंड्स स्कूल में। द केमिस्ट्स का मतलब है केमिस्ट की दुकान पर। पॉइंट क्लियर? कौन सा भाग इसमें गलत है? नंबर 4। हीरालाल टर्बन्स कलर इज मैचिंग माय शर्ट इंडीड। एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी एक साथ नहीं आते, जैसे यहां हीरालाल टर्बन और टर्बन्स कलर दो बार ऐसा आ गया, ये गलत है। द कलर ऑफ हीरालाल टर्बन करेक्ट होगा। द कलर ऑफ हीरालाल टर्बन, हीरालाल की पगड़ी का रंग, हीरालाल टर्बन कलर, दो बार एपोस्ट्रोफी का एस आ गया। एपोस्ट्रोफी का एस दो बार एक सेंटेंस में प्रयोग में नहीं लिया जाता, इसलिए एक जगह कॉमा लगेगा और यहां पर एस लगेगा। तो विच पार्ट इज रॉन्ग? पार्ट नंबर 1 इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही इन्फॉर्म्ड मी that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night. इस सेंटेंस में क्या गलत है? Which part is wrong? One of the here. उसने मुझे सूचना दी, he informed me that के he had gone to, वह चला गया था One of the ministers, ministers residences. One of जब आएगा तो one of के बाद plural noun आएगा, minister नहीं आएगा, ministers आएगा, समझ रहे? One of the ministers, ministers लिख करके हम कोमा लगाएंगे, क्योंकि जब plural होता है तो कॉमा लगता है, केवल एस द्वारा नहीं लगता। यहां गलत क्यों था मिनिस्टर? क्योंकि वन ऑफ द मिनिस्टर, एक मिनिस्टर में से एक थोड़ी होगा, मिनिस्टरों में से एक। तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, निवास स्थानों पर उसने मुझे सूचना दी कि
कि वह मिनिस्टरों में से एक के निवास स्थान पर, मिनिस्टरों के निवास स्थानों में से एक पर वह गया था एंड स्टेड देयर ऑल नाइट और पूरी रात वहां रुका। बनोप के बारे में क्या नियम है? जब बनोप आएगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वन ऑफ द मिनिस्टर नहीं आएगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स आएगा। और मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, मिनिस्टरों के निवास स्थानों में से एक निवास स्थान पर वो चला गया था, उसने मुझे सूचना दी और वहां पूरी रात रुका। ये पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट वन, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग otherwise it may fall down. The roof of the building is wrong. क्योंकि building निर्जीव है, निर्जीव के साथ एक apostrophe का s नहीं लगता, of लगता है, ये हो जाएगा the roof of the building। ये part है, the roof of the building needs repairing, otherwise अन्यथा it may fall down, यह गिर सकती है। तो the first part of this sentence is wrong. The life of the rich is not in many ways as peaceful as that of the poor. The life of the rich, धनवान आदमियों का जीवन, इज नॉट इन मैनी वेज, बहुत सी तरह से नहीं है, एज पीसफुल उतना शांत, एज जितना के देट ऑफ द पुअर, ये एस नहीं लगेगा। एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देट ऑफ पहले आ गया, ऑफ आने के कारण एस नहीं लगेगा। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ came to me yesterday. And asked me for some money. Now look at the sentence. A friend of my wife, मेरी पत्नी का एक मित्र, came to me, मेरे पास आया yesterday, कल, and asked me for some money, और मुझसे कुछ धन मांगा। A friend of my wife, ये पार्ट इसमें गलत है। It's my wife's My wife's friend, अब ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ का मतलब है मेरी पत्नी के मित्रों में से एक मित्र। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, जब कभी इस तरह का आएगा तो वाइफ के बाद कौमा लग के ऐसे लगेगा। वाइफ का मतलब यहां पर है पत्नी के मित्रों में से एक मित्र, मेरी पत्नी के मित्रों में से एक मित्र came to me yesterday, मेरे पास कल आया, and asked me for some money, और मुझसे कुछ धन की मांग की। कौन सा गलत है? पार्ट नंबर वन इज wrong.
बहन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति The flower pot is at the front door side. The flower pot is at the front door side. Front doors, this part is wrong. At the front door side. There is no need of using apostrophe S in this sentence. Front door side. Front door side nahi. Ek sentence expression hai. Public's opinion is wrong. Public opinion. हम ये नहीं कहते कि public's opinion. We are interested in knowing public's opinion. Note कर लीजिए इसको. We are interested. In knowing the public's opinion, यहाँ पर ये public's opinion, ये apostrophe का S गलत है, क्योंकि public opinion का मतलब ही ये है कि public opinion, जनमत। मतलब तेरी apostrophe कम नहीं लगाते हैं। जब पब्लिक ओपिनियन ब्रिज आएगा तो नहीं लगाएंगे मतलब अरे वो तो ठीक है पर मतलब जैसे समझ नहीं आता जैसे पब्लिक ओपिनियन एक ब्रिज है उसी तरह से अभी यहाँ पर आया था फ्रंट डोर डोर साइड डोर्स साइड नहीं डोर साइड उसी तरह से ये पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन नहीं इसको याद रखें कि पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेशन आता है तो उसमें एस नहीं लगेगा Thank you.
summons have been issued by the court. इस सेंटेंस में समन्स प्रयोग में लिया गया है। एक समन के लिए समन्स कहते हैं, एक सम्मन, हिंदी में बोलते हैं सम्मन, कानूनी बुलावा जिसमें अपेक्षा है कि सस्पेक्टेड कॉन्विक्ट को अदालत में उपस्थित होना है क्यों उसके विरोध में एक शिकायत है, उसको बोलते हैं समन्स। I got a summons from the court. मैंने अदालत से एक सम्मन प्राप्त किया, एक कानूनी बुलावा लिखित रूप में प्राप्त किया, तो समन्स आता है। लेकिन जब समन्स का प्लूरल होगा तो होगा समन्सेस, प्लूरल समन्सेस होगा और सिंगुलर समन। और जैसे समन का मीनिंग क्या है, बुलावा, बुलाना, आई समन्ड हिम, मैंने उसको बुलाया। दूसरा मीनिंग है साहस बटोरना, आई समन्ड ऑल माय करेज टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। Running a five-star hotel is a task of high standard in Delhi. Stars नहीं आएगा, five-star hotel, five-star, this S is wrong. 5 rupees का नोट, he gave me a 5 rupees note. ₹5 नोट, दिस इज रॉन्ग, रुपीज इज रॉन्ग, इट शुड बी 5 rupee नोट, दिस एस इज रॉन्ग। उसने मुझे 5 rupees का नोट दिया, ही गेव मी ए 5 rupee नोट, 5 rupees नोट नहीं होगा। The murder was committed on the premise on the premise of the college. The murder was committed on the premise of the college. In this sentence, on the premise, this expression is wrong. Premise nahi hota, premises hota hai. Premises ka matlab hai area, andar ka kshetra. The murder was committed on the premises. On the premises of the college. हत्या महाविद्यालय के आहते के अंदर हुई। एक तो premises में S लगेगा, ये important है, और दूसरा point ये important है कि on लगेगा, in नहीं आएगा। In the premises is wrong. On the premises of the college.
She distributed 2 dozens copies of this Nikki. Here, in this sentence, 2 dozens is wrong. Second part. Why? Because dozen, when preceded by a number, cannot be pluralized. Dozen, जब इससे पहले एक संख्या आएगी तो इसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। हाँ, 100, dozen, 1000, million, इनसे पहले अगर कोई संख्या आती है तो फिर इनमें हम ऐसे यस नहीं लगाते। इसलिए इसमें इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 2 गलत है। इसी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 dozen कॉपीज ऑफ दिस मैगजीन। Part number 2, it should be 2 dozen copies. Indian peasantries are very poor and miserable. भारतीय किसान समुदाय के लोग बहुत गरीब और दुखी हैं। In this sentence, peasantries is wrong. IS नहीं आ रहा। It should be Indian peasantry. Peasantry का ही मतलब अपने आप में है किसान समुदाय। इसलिए इसको plural नहीं बनाया जाता। नंबर 1 in this factory is complete. Equipments, this part is wrong. We never say equipments, we say equipment. साज सज्जा, आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तुओं की साज सज्जा, equipment.
आपको लिखवाया गया है
वेज नहीं आता, मजदूरी वेजेज होगा। द वेजेज ऑफ दीज एम्प्लॉइज आर वेरी लो इंडीड। The first part is wrong. It should be wages, not wage. वैसे वेज का क्या मीनिंग बताया दूसरा? युद्ध लड़ना, बर्फ के रूप में है वेज। चाइना वेज के बाद अगेंस्ट इंडिया, वेज के बाद एक युद्ध लड़ा, ये वर्ब के रूप में। लेकिन मजदूरी के अर्थ में जब इसका मीनिंग होता है तब होता है वेजेस, हम कहते हैं वेज नहीं कहते मजदूरी। दूसरा एक मीनिंग है वेजेस का, पनिशमेंट। दूसरा क्या तीसरा मीनिंग है? तीसरा मीनिंग है पनिशमेंट। The wages of sin is death. Sin, पाप का दंड मृत्यु है। तो वेजेज को आप लिख लें अलग से, वेजेज दंड यानी पनिशमेंट। ये वर्ड अलग है, बेस तो अलग है, बेस तो वर्ड है ही है WAGE। उस समय उसका मतलब होता है युद्ध लड़ना, या फिर बेजेज होकर के नाउन के रूप में प्लूरल हो जाता है तो मजदूरियां, मजदूरी। लेकिन जब बेजेज अलग से दिया गया है डिक्शनरी में तो दूसरा मीनिंग इसका दिया गया है पनिशमेंट। The wages of sin is death. तो सब जो एक wages है, ये wages ही तो रहेगा। ये correct है। इसको plural बोलना होगा, एक पूरी। No, this is already plural. तो इसमें no error, number 5 है। वर्ड है कंटेंट, CONTENT। आई डोंट नो द कंटेंट ऑफ दिस लेटर। कंटेंट सर, because I haven't gone through it. I don't know the content. Content का क्या मतलब है? Content का मतलब होता है संतुष्टि, और दूसरा मीनिंग होता है आंतरिक विषय वस्तु। तो उस समय इसका मीनिंग होता है कंटेंट्स। हम कंटेंट प्रयोग में नहीं लेते, कंटेंट्स प्रयोग में लेते हैं। तो इन दिस सेंटेंस पार्ट नंबर 2 इज रॉन्ग, पार्ट नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंटेंट अगर हम रहने देते हैं तो इसका तो मतलब है संतुष्टि, और कंटेंट्स जब करेंगे तो मतलब होगा अंतर वस्तु, जो विषय जो मुख्य बिंदुओं के रूप में समेकित रूप से दी गई है, कंटेंट्स होगा तब करेक्ट माना जाएगा। इसलिए पार्ट नंबर 2 इज रॉन्ग।
मैंने आपको कई वर्ड्स बताए जो इससे संबंधित हैं, इससे मछली से संबंधित, सालमन मैग्रिल पाइप प्लेस टर्बोट फिश कॉर्न। एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। एक मछली के लिए कहेंगे ये टर्बोट, और बहुत सी मछलियों के लिए भी कहेंगे टर्बोट। ऐसे ही लगेगा द टर्बोट विच वर इन द पॉन्ड वर नियरली डेड। मछलियां जो तालाब में थी करीब करीब मरी हुई थी। एक आपका प्लेस आ गया PLAICES, अगर एस लग गया तो गलत हो गया। कॉड आ गया COD, कॉड्स हो गया तो गलत हो गया। सालमन आ गया, सालमन्स हो गया तो गलत हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। The whole bunch furnished with the necessary furnitures. अब कीर्ति बताएंगी, कीर्ति या कृषि, ने पहले भी टर्बोट वाला करेक्ट बताया। अब बताइए क्या गलत है? फर्नीचर गलत है। फर्नीचर आएगा। We never pluralize furniture. This small booklet. Contains all the informations. ये छोटी सी बुकलेट सारी सूचनाएं रखती है। सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन से जाऊ करेक्ट होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसा है, किस टाइप का नाउन है? नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। सूचना क्या? सूचना को देख सकते हैं, छू सकते हैं? इंग्लिश टीचर वह एक अंग्रेजी का शिक्षक है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर टीचर से पहले लग गया, इसलिए इंग्लिश एक एडजेक्टिव है। इंडिया से इंडियन बनता है, इंग्लैंड से इंग्लिश बनता है। और इंग्लिश के दो मीनिंग है, एक मीनिंग आ जाता है भाषा, इंग्लैंड में बोले जाने वाली भाषा। द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन इंग्लैंड इज नोन एज इंग्लिश। और दूसरा इंग्लिश टॉवल, इंग्लैंड में बनी हुई प्रोड्यूस की हुई तौलिया। इंग्लिश स्टाइल अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में दिए जाने वाला की वाली कार्य शैली स्टाइल। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है इज एन इंग्लिश टीचर मीन्स वह इंग्लैंड का रहने वाला टीचर है जो इंग्लैंड में पैदा हुआ है। करेक्ट होगा ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश।
टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी भाषा का एक शिक्षक। वह मेरी चचेरी बहन है, शी इज माई कजिन सिस्टर। पहले बताया गया है आपको कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन में ही मीनिंग छिपा हुआ है, चचेरी बहन या चचेरा भाई, ये पेपर में आ जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। The beautiful surrounding of the palace attracts us. Surroundings. Science means specific knowledge rooted in the analysis, observation and experimentation resulting in conclusions. आप तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, अवलोकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, उनके आधार पर प्रयोग कीजिए और फिर उसमें से जो जो घटनाओं का विश्लेषण कीजिए, अवलोकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और फिर निष्कर्ष निकालिए। उन निष्कर्षों से जो तथ्य निकलेंगे उन तथ्यों के समूह का नाम साइंस है। द स्टडी ऑफ न्यूमरस फेनोमेनन्स ऑफ द यूनिवर्स इज द बेसिस ऑफ साइंस। कल ही बताया था फिनोमेनन्स नहीं होता, फिनोमेना होता है, फिनोमेना, फिनोमेनन्स नहीं फिनोमेना। दिस ओल्ड ब्रिज इज अंडर रिपेयर्स होगा, अंडर रिपेयर नहीं होगा, अंडर रिपेयर इज रॉन्ग, अंडर रिपेयर्स। Order for his transfer. That's an issue.
एंड ही इज अबाउट टू जॉइन. The electricity board in Japan. Order कभी नहीं होता. Orders होता है क्योंकि जो व्यक्ति उसको रिलीव करेगा order उसके लिए, जो join करवाएगा उसके लिए, उसके स्थान पर जो व्यक्ति join करेगा उसके लिए भी order. तो orders होता है. This word order is wrong. Orders for his transfer have been issued and he is about to join the electricity board in Japan. ये बहुत क्लियर है The new clerk has purchased all the useful stationeries. Here stationery is correct, stationeries is wrong. Stationery. यहाँ ये expression stationery गलत है. Stationery आए. कटलरी स्टेशनरी डैमेज फॉर द ब्रेकेज ऑफ फर्नीचर. Amounts to nearly ₹56,000. The damage for the breakage of the furniture. कभी नोट करवाया था. डैमेज नहीं होता. डैमेज होता तो है लेकिन डैमेज का मतलब है क्षति नुकसान. और मुआवजा डैमेजेस फर्नीचर की टूट फूट के लिए जो मुआवजा था डैमेजेस. दिस वर्ड डैमेज विल नॉट बी यूज्ड हियर. डैमेज कैसे प्रयोग में लिया जाता है. डैमेज नुकसान के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है. जैसे इट कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज. His ideology of Gandhism. It caused a lot of damage. इसने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया. उसकी गांधीवाद की विचारधारा को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया. क्या है गलत. Nothing. Sentence is correct. डैमेज नुकसान. द ट्रक कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द रियर पार्ट ऑफ द कार. ट्रक ने कार के नीचे के भाग को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया.
सीनरी है। ये परीक्षा में अक्सर आता है, सीनरी बर्ड के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, एडवाइस है। द सीनरीज ऑफ द टोंडा अट्रैक्ट्स अस नो लेस देन दैट ऑफ जयपुर। क्या गलत है? सीनरीज गलत है, सीनरी आए। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। This child makes many mischiefs. Mischiefs गलत है। अब ये makes many mischiefs ये गलत है। This child makes many mischiefs. Mischief countable नहीं होता। Mischief शरारत अपने आप में विकृत व्यवहार का एक छोटा सा रूप है, शरारत व्यवहार का रूप है। मैनी नहीं आएगा, ए लॉट ऑफ मिस्टी। मिस्चीफ का प्लूरल नहीं आएगा, एस रखकर बनेगा लेकिन आएगा नहीं, प्रयोग में नहीं दिया जाएगा। हाँ नहीं, प्रयोग में नहीं दिया जाएगा कभी भी। मिस्चीफ्स नहीं होता। स्पेक्टेकल कभी नहीं होता, चश्मा स्पेक्टेकल्स, गोगल गोगल्स होता है, गोगल नहीं होता, ग्लास हो ग्लासेज होता है, ग्लास नहीं होता, पैंट्स होता है, पैंट नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं होता। ये स्पेक्टेकल्स लेकिन लगेगा स्पेक्टेकल्स आर डिफेक्टिव, उसका चश्मा वास्तव में खराब है। अब इज कब लगेगा? सी है जी, न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अब पेयर, ये न्यू पेयर लगेगा तब ये लगेगा और हेज लगेगा। I have sent my trousers. Trouser नहीं होगा, trousers to the laundry. मैंने अपनी trousers laundry को भेज दिया। Trousers होता है, trouser नहीं होता।
know the criterions for the selection of an engineer for this post? Criterions, is it criteria? Note kiya tha? Criteria. We don't say criterion, we say criteria. Criteria lagayenge to plural hoga. Criterions plural nahi hai. डाटा कभी नहीं होता, डाटा कभी नहीं होता, डाटा होता है, डाटा नहीं होता। डेटम, ये इसका सिंगुलर है, ये प्लूरल सिंगुलर है और ये प्लूरल है। दिस इज अ डेटम, यह एक तथ्य है, एक संकलित किया हुआ तथ्य है। दीज आर डाटा, और लोग बोलते रहते हैं डाटाज नहीं आए हैं, अभी एनालिसिस होगी तब रिपोर्ट आएगी। डाटाज गलत है, ये प्लूरल क्या है? डाटा। इसलिए इसमें पार्ट नंबर वन एनालिसिस आई हट जाता है, एस ई एस लग जाता है। क्या गलत? आई डोंट नो व्हाट द राइट एप्लीकेशन इज। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट एप्लीकेशन, राइट साइड इज। आई डोंट नो व्हाट द राइट एप्लीकेशन इज, दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि व्हाट इज द राइट एप्लीकेशन गलत हो जाएगा। व्हाट इज द राइट एप्लीकेशन तो क्वेश्चन पूछने में सही है, लेकिन जब आई डोंट नो लग गया तो फिर व्हाट द राइट एप्लीकेशन इज, ये अपने आप में नाउन है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन मीन्स नाउन। आपके केमिस्ट्री में जो होते हैं नॉमेनक्लेचर, उसको एप्लीकेशन कहें या पीसेस कहें।
Now, tomorrow, this is all in addition to now, we have done one exercise. आप जो जितने लर्निंग पॉइंट्स हैं इससे संबंधित उनको दोहराइए घर पर याद कीजिए और उनके आधार पर इस तरह की एक्सरसाइजेज करनी है।